नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात खरगोन की। निर्माण मुख्यालय फसल कपास की बोवनी शुरू हो चुकी है। किसान कपास के बीज के लिए लगातार अनाज मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बीज नहीं मिल रहा। चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े होने के बावजूद जब किसानों को बीज नहीं मिला, एक ऋण पुस्तिका पर 2 पैकेट बीज के लिए लगातार दूसरे दिन भी लंबी लाइन देखने को मिली। बीज के संकट के चलते कृषि विभाग ने बीज के टोकन बांटे, लेकिन उसके बावजूद बीज नहीं मिल रहा। किसानों का आरोप है कि बीज की कालाबाजारी चल रही है। 659 रुपये वाली राशि कंपनी का बीज 864 रुपये में और 1200 रुपये वाला आशा कंपनी का बीज 1500 रुपये में मिल रहा है। निर्माण की जो प्रमुख फसल है कपास, उसके बीज को लेकर अब किसान जो है करीब 40 से 42 डिग्री जो तापमान है उसमें लंबी लंबी लाइनों में लगे होंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लाइन लगी है और यहाँ किसान पहुँच रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसल के लिए जो राशि एक कंपनी है जिसका बीज प्रमुख बीज होता है, वो बीज नहीं मिल रहा, उसके वजह से किसान परेशान है। हमारे साथ क्या किसान मौजूद है कि क्या कहना है आपको, कौन सा बीज और इतनी बड़ी लाइन क्यों लगी? ये राशि कंपनी का 659 और निजी उर्दू का आशा के अभी आशा 1 के लिए खड़े हैं। बोनी का समय आ गया। एक पावती पे किसानों को 2-2 पैकेट दे रहे हैं। अच्छा। जबकि उसकी ज़्यादा डिमांड है। नहीं तो क्या है संकट, क्या है? ये कंपनी और डीडीए मिला के यहाँ पर पैकेटों की कालाबाजारी कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के किसान संकट इसलिए पैदा हो रहा है, किसानों का आरोप है कि कालाबाजारी हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे साथ में ये महिलाएं भी लाइन में लगी और लगातार बीच के लगी, और छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं और बीज के लिए लाइन में लगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आप लाइन में लग के बीज के लिए आए हैं? हाँ, बीज के लिए आए हैं। हाँ। पावती और ये सब लाए हैं, बच्चे भी लाइन में लगे हुए हैं, धूप में हम खड़े हैं। अच्छा। और बस लाएंगे 2 पैकेट मिलेंगे एक उस पे पावती पे। अच्छा। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये लाइन लगी हुई है। लगातार बच्चे, मासूम बच्चे भी लाइन में लग गए। और ये जो किसानों का आरोप है कि जो राशि कंपनी का जो बीज है उसका संकट हो गया और उसके चलते हुए कालाबाजारी भी हो रही है, ऐसा किसानों का आरोप है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के मेन गेट को लेकर वासु दोष पर सियासत अब होने लगी है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर ट्वीट किया। ट्वीट में नरेंद्र सलूजा ने लिखा कि पता नहीं कांग्रेस के नेता ये सच्चाई कब समझेंगे कि सारा दोष उनमें और कांग्रेस में है, लेकिन उसे दूर करने की बजाय वो तो हमेशा कांग्रेस भवन में ही वास्तु दोष ढूंढने में लगे रहते हैं। अब जीतू पटवारी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का वास्तु दोष दूर करने के लिए पीसीसी का बंद रहने वाला गेट खोल दिया गया। मेन गेट पर ताला लटका दिया गया। नरेंद्र सलूजा ने आगे लिखा कि इसके पहले कमलनाथ जी ने वास्तु दोष दूर करने की कोशिश करते हुए पीसीसी में कई परिवर्तन किए थे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 116 से 66 पर आ गई और अब जीतू पटवारी की इन कोशिशों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से खाली हो जाएगी, बस वो अकेले ही बचेंगे। कांग्रेस कार्यालय जो मध्य प्रदेश का, उसमें फिर वास्तु दोष ढूंढा जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कांग्रेस इस सच्चाई को क्यों नहीं समझती कि दोष उसमें है, दोष उसके नेताओं में, लेकिन हमेशा पीसीसी का वास्तु दोष दूर करने में लगे रहते हैं। इसके पहले कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वास्तु दोष दूर करने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ, 116 से 66 में विधानसभा चुनाव में आ गए। अब जीतू पटवारी भी वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा, पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी, अकेले रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव हो चुका है, लेकिन कांग्रेस में एक बार फिर से वास्तु दोष को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार कांग्रेस छोड़ी, भाजपा का दामन थामा, उसके बाद अब नतीजों के पहले अचानक से कांग्रेस ने एक बड़ा परिवर्तन किया है और अपने पीसीसी का जो मुख्य भवन है उसके मेन गेट पर एक बड़ा सा ताला जड़वा दिया है। ये बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बताया गया है कि चुनाव में अगर अच्छे नतीजे लाना है तो इस मुख्य गेट को बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वास्तु दोष है। और उसके बाद इस गेट पर ताला जड़ दिया गया है। एक छोटे से गेट से अब एंट्री होगी। माना जा रहा है कि किसी बड़े ज्योतिष ने ये सलाह दी है कि अगर लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम चाहिए तो इस मेन गेट पर ताला लटका होना चाहिए। अब ये वास्तु दोष कांग्रेस को कितना फ़ायदा दिलाएगा, कितना नफा नुकसान कराएगा, ये तो बाद में 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस ताले की फिलहाल तो बड़ी चर्चा है। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र। अभी हमको आशा तिवारी ने चौकी उपस्थित आके सूचना दी कि क्या सोनू शुक्ला की प्लेटफॉर्म नंबर। इंदौर से बाल विवाह का मामला सामने आया, जहां एक मौलाना को बाल विवाह करवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना पर आरोप है कि उसने 15 साल की किशोरी की शादी 30 साल के युवक से करा दी थी, जिसके बाद खजराना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, टीम ने मौलाना को गिरफ्तार किया। इधर सीहोर में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया। इस मामले में धोखे से शादी करने के बाद आरोपी आदिवासी महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाता रहा। वो लगातार महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। 2 साल तक प्रताड़ना झेलने के बाद तंग आकर महिला ने पुलिस में आरोपी पति की शिकायत की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को उसके दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नामक व्यक्ति से शादी हुई थी, जिसने शुरू में अपना नाम आशु बताया था, जो कि भोपाल का रहने वाला है। उसने अपनी पहचान छुपाकर शालिनी से शादी की थी और उसको जब शालिनी को उसकी असलियत का पता लगा तो वहाँ से जाना चाहती थी, परंतु सुलेमान ने लगातार ही उसे अपनी नज़रबंद करके रखा और कुछ समय पहले वो अपने किसी दोस्त की सहायता से वहाँ से निकलने में कामयाब हुई और उसने थाने आकर रिपोर्ट किए तो जो भी स्वतंत्रता धाराएँ हैं उसमें कायम की जाकर कार्रवाई की जाती है। भोपाल के हलालपुर में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। भरभराकर ये मकान की दीवार गिरी। मलबे में बच्चे के दबने की सूचना भी मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौके पर पुलिस मौजूद है। ये तस्वीरें भोपाल की। शिवपुरी से बड़ी खबर है। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई। पत्नी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बता दें 6 मई को करबला पुल के नीचे लाश मिली थी। पत्नी ने पति के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी और जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई तो पत्नी ही दोषी निकली और उसका प्रेमी भी इसमें दोषी पाया गया। जबलपुर से बड़ी खबर है। यहां पर वेयरहाउस में सड़े गेहूं के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने चरगवा थाने में दर्ज कराई एफआईआर। वेयरहाउस संचालक समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर पर एफआईआर दर्ज हुई है। वेयरहाउसिंग मैनेजर को निलंबित भी किया गया। अब तक 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ गेहूं मिला था। जिला प्रशासन ने सभी वेयरहाउस की जाँच भी अब शुरू कर दी है। जो राघव वेयर हाउस में जो कार्रवाई चल रही है, राघव वेयर हाउस में चूंकि एक स्टैक में जो है काफ़ी सारा गेहूं पे टूट गया है। स्टैक को तोड़ने के बाद जो है रेंडमली तोड़ रहे हैं। जैसे 10 बोरियां निकालना है, फिर साइड से जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ हमने एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है और जो कर्मचारी लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल। टीकमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जाति के अलग अलग कुएं को लेकर जांच अब शुरू हुई है। कलेक्टर ने जांच के आदेश निर्देश भी दे दिए हैं। सुजानपुरा गांव पहुंची है टीम और अब जांच पड़ताल होगी। श्योपुर से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट में ईडब्ल्यूएस शाखा में घूसखोरी का आरोप लगा है। 2-2 हजार रुपए लेकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। न्यूज 18 ने घूसखोरी का खुलासा किया। महिला कर्मचारी ने माना कि घूसखोरी की गई है उसके द्वारा। 2000 रुपए में प्रमाण पत्र बनाने की महिला कर्मचारी ने बात भी कही है। जिम्मेदार अफसरों के पास नहीं है इसका कोई भी जवाब। 2000 मैडम, आज शाम तक करवा दूं तो पूरे 2000 है ना। रुको जाओ, पहले रुको जाओ, दीपक से बात करो, हम दिखा के आते, सुन के आते। मैं जा रहा हूं, मुझे निकलना, मुझे गांव निकलना है। फोन बात कर लूंगा मैं आपसे, चुपचाप मैं करवा रही हूं ना। इसके सामने मैंने कहा चुप रहो, तब भी तुम बोल रही हो। मैं काम कर रहा हूं ना, ठीक करवा दो। दीपक बोला कर लो बात है ना, मैं आज ही करवाऊँ शाम तक, ठीक है? ठीक है, ठीक। और बात कटनी की, यहाँ पर कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। जबलपुर और भोपाल के इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की टीम छापा मारने पहुंची। 50 कारों से जबलपुर और भोपाल के अधिकारी पहुंचे। दस्तावेजों को खंगालने का काम अभी भी चल रहा है। इनकम टैक्स की टीम के साथ ही पुलिस की टीम भी मौजूद है। करोड़ों के टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा हो सकता है। और अब बात नीमच की, जहां दशहरा मैदान इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने 4 दुकानों पर छापेमारी की। यहां से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए, तो वहीं खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप भी मच गया। खबर पन्ना से है, जहां खनिज विभाग की टीम ने केन नदी के किनारे अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन में लगे 6 LNT मशीन और रेत से भरे 24 ट्रकों को जब्त किया गया। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनन में लगे माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी के मुताबिक इस इलाके में अवैध खनन को लेकर काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। संबंध में काफ़ी समय से मतलब सूचना मिल रही थी कि रात्रि में के अंधेरे में उत्खनन वगैरह होता है, तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं होगा, और रात्रि में भी यदि उत्खनन होता है तो उसके लिए भी आप कार्रवाई कीजिए। तो उन्हीं के तारतम्य में आज हमने कल रात्रि में मध्यरात्रि के पश्चात राजस्व की टीम, पटवारी, आरआई के दल सहित हम लोग आए और मौके पर पाया कि